बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक राइट्स पार्टी के सुप्रीम हेड चौधरी मोहम्मद शफीक। आज हम इनसे पूछेंगे कि जो मसला कश्मीर के हवाले से मौजूदा सूरत हाल है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मजीद कशीदगी हो रही है और नरेंद्र मोदी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के जो धमकियाँ दे रहे हैं और इंडियन चैनल्स ने जो वावेला मचाया हुआ है, इस पर हम अपने मेहमान चौधरी शफीक साहब से उनके ख्याल जानना चाहेंगे। जी चौधरी शफीक साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी खुली धमकियां दे रहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे और इंडियन चैनल भी वावेला मचा रहे हैं, बेबुनियाद प्रोपगंडा कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और दिगर हवाले से भी आप मसला कश्मीर के हवाले से भी मुख्तसरन हमें क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो यह है कि हमें पूरा एतमाद है अपनी आर्मी पे। जो हमारे आर्मी के नौजवान इस वक्त बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, वो ऐसे नहीं बैठे हुए और जरूरत नहीं है हिंदुस्तान की कि वो आगे आए। भड़के मारने की वाली बात उनकी पुराना एक स्टाइल है, आप तो उनकी बॉलीवुड मूवीज़ देखते रहते हैं अक्सर, वो तो मूवीज़ में तो वो पूरा पाकिस्तान जो है उड़ा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उनकी अगर मैली आँख पड़ी तो पाकिस्तान ऐसे नहीं बैठा हुआ, हम ऐसे नहीं बैठे हुए, हम उसका भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। इन मीडिया वालों का जो है ये पटके मारने का अंदाज या मोदी का, उनको बोले आए सामने हमला करें, किसी भी एक पॉइंट को चूज करें हमला करें। खुदा की कसम, अगर हमने इनकी इंट ना बजाती दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क में हम बैठे हुए हैं, ओवरसीज कश्मीरी जितने भी हैं पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे अगर हम बेबस हुए तो वहाँ पे इनको वैसा टोकेंगे, इनका ये याद रखेंगे ज़िंदगी भर। इनको आए सामने आए हमारे और हमें चैलेंज करके देखें, और मुझे यकीन और पूरा एतमाद है अपनी आर्मी पर, अपने नौजवानों पर और अपने पाकिस्तानी कश्मीरियों पर, क्योंकि ये सारे एक पेज पर इकट्ठे हैं इस मामले में, मकबूजा कश्मीर और कश्मीर के मामले में हम लोग सब एक पेज पर हैं और हम जंग करना जानते हैं। हिंदुस्तान की बड़कें हमारी बड़कें नहीं होंगी। हम पहले वार नहीं करते इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम उनका इंतज़ार करेंगे, वो शुरू करें और ख़त्म फिर हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनका जवाब पत्थर से देंगे और हिंदुस्तान को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, वो कभी भी पाकिस्तान से जंग ना जीत सकता है और ना ही लड़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया। इंडियन आर्मी, इंडियन फजाइया, याद रखे जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करे तो 27 फरवरी का वाकया अपने जहनों में बिठा ले, अभिनंदन से पूछ ले कि पाकिस्तान आर्मी और पाक फजाइया के शहीन कैसे जो है वो इस्तकबाल करते हैं। 27 फरवरी का दिन जो है ये तारीखी दिन है, इंडिया को इससे अगर सबक नहीं आया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मसल्ला फौज पाकिस्तान और पाक फजाइया के शहीन एक बार फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।